स्नान से भागेगा कोरोना, बीएचयू के सीनियर चिकित्सकों का ये दावा है। लेकिन क्या ये सच हो सकता है? इसी का पता लगाने के लिए बीएचयू के सीनियर चिकित्सकों का दल इन दिनों घाट के किनारे शोध में जुटा हुआ है। घाट के किनारे रहने वाले लोग जो गंगा में स्नान करते हैं, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। बीएचयू के सीनियर चिकित्सकों का कहना है कि औषधीय गुणों वाला गंगा जल कोरोना के इलाज में सहायक है। नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव बीएनएस। पूरा देश और पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से परेशान है और लगातार पूरी दुनिया के जो वैज्ञानिक हैं वो ह्यूमन ट्रायल कर रहे हैं, तरह तरह की वैक्सीन ईजाद कर रहे हैं जिससे कि कोरोना से बचा जा सके और वैश्विक महामारी से छुटकारा पा सके। इसी सबके बीच में जो बीएचयू के डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये दावा किया है कि गंगा जल से कोरोना का इलाज संभव है। कोरोना का इलाज इसलिए संभव है क्योंकि गंगा जल में बैक्टीरियोफेज और वायरोफेज नामक तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका इलाज संभव है। और हाल ही में बीएचयू के डॉक्टर्स ने नोजल स्प्रे भी बनाया है जिसका इस्तेमाल अभी ह्यूमन ट्रायल के लिए किया जाएगा और इससे साफ पता चल पाएगा कि क्या कोरोना को गंगा जल परास्त कर सकता है या नहीं। हालांकि ये बात कई बार सामने आ चुकी है, कई शोध में ये बात सामने आ चुकी है कि गंगा जल से जो नियमित रूप से स्नान करने वाले लोग हैं उनमें तरह तरह की जो बीमारियां होती है उनसे छुटकारा मिल जाता है। तो बने रहिए और देखते हैं, चलते हैं बीएचयू में। हम डॉक्टर वी. एन. मिश्रा जी से भी बात करेंगे और किस तरीके से ये जो प्रोसेस है रिसर्च का वो आगे चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी एक शोध पत्र लिखा जा चुका है तो उसका क्या रिजल्ट आता है सब देखते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं बीएचयू के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में और यहाँ पे रिसर्च चल रही है गंगा को लेकर के। एक बात सामने आई है कि गंगा जल में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि कोरोना वायरस को परास्त कर सकते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा, अगर ये रिसर्च सफल होता है तो वाकई में कोरोना का काट गंगा जल हो सकता है। इस विषय में हम और भी जानकारी लेने के लिए चलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वी. एन. मिश्रा जी से, उनसे बात करते हैं और इस शोध के विषय में और भी विस्तार से और भी डिटेल से जानते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कोरोना की काट ढूंढने में लगे हुए हैं और कोरोना की वैक्सीन इजाद करने में लगे हुए हैं। इसी बीच वाराणसी के बीएचयू के डॉक्टरों ने ये दावा किया है कि गंगा जल में ऐसी क्षमता है जो कि कोरोना के वायरस को परास्त कर सकता है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीएचयू से प्रोफेसर डॉक्टर वी. एन. मिश्रा जी। तो सर, आपका लाइव बीएनएस में स्वागत है। सर, आप ये बताइए कि गंगा जल जो है कोरोना को परास्त कर सकता है, ये कैसे पता चला और इस पे शोध का जो आइडिया है वो कैसे आया? देखिए, गंगा जल के ऊपर ये मेरा शोध अभी नहीं है, ये बहुत 130 साल पुराना शोध है। वो ये कि डॉक्टर हर्षिले ने कहा था कि 1896 में कि जिन लोगों को कॉलरा पैंडेमिक जब फैला तो जो लोग गंगा जल यूज़ करते थे उनको कॉलरा पैंडेमिक नहीं हो रहा था। तो ये उस समय जब बात आई तो किसी को पता नहीं था कि क्यों ऐसा फाइंडिंग आ रहा है। उसके करीब 30-40 वर्षों बाद ये पता लगा कि गंगा जी में विशेष प्रकार के वायरसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं फेज वायरस। वो बैक्टीरिया को किल करते हैं, इसलिए उसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। तो बैक्टीरियोफेज के ऊपर काफ़ी रिसर्च पूरी दुनिया में हो रहा है और एक देश ऐसा है जॉर्जिया जहाँ फेज ही यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करते। फिर ये जिन जगहों पर एंटीबायोटिक यूज़ होता है ज़्यादा, वहाँ बैक्टीरिया मरने में दिक्कत होती है, वहाँ फेज यूज़ करते हैं, ये भी बहुत नोन है। तो हम लोगों ने ये प्रपोज़ किया था कि जो गंगा जी के फेजेस हैं ये पूरे दुनिया में अलग हैं, 1200 प्रकार के फेजेस गंगा जी मिलते हैं, क्यों ना इन फेजेस को हम लोग यूज़ कोरोना के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसको एक शोध पत्र लिखा जो अभी अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में छपा। उसमें उन्होंने यही कहा है कि आप इसको ड्रग रिपर्पजिंग कर सकते हैं, मतलब जो बैक्टीरिया वायरस जो मारता है उस वायरस से हम लोग फेज वायरस से हम लोग कोरोना को भी मार सकते हैं, इसको वायरोफेज कहते हैं। तो उम्मीद है कि इससे अगर ये कामयाब होता है तो इससे सस्ती दवा और कहाँ मिलेगी। बात करें इस रिसर्च में कितने लोग शामिल हैं आपके साथ? ये पूरी टीम शामिल है, मतलब हमारे न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर्स हैं, लखनऊ के डॉक्टर्स हैं और भारत सरकार के एमिकस क्यूरी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में अरुण गुप्ता जी वो शामिल हैं। सर, आपने जहाँ तक इस शोध के लिए जो गंगा के किनारे बसे लोग हैं उनका टेस्ट किया है और जहाँ तक हमने सुना है सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो इस पे आप गंगा के किनारे जो बसे लोग हैं उनको ही क्यों चुना? नहीं, शोध गंगा जी किनारे तो कहाँ के लोग चुनेंगे, जो लोग गंगा जी रोज़ नहाते हैं, जो लोग गंगा जी रोज़ पीते हैं, हम लोगों ने उनका भी टेस्ट किया, उनसे बातचीत की। जो लोग गंगा जी किनारे रहते हैं, जो नहीं नहाते, उनको कंपेयर किया तो उनमें से 20 लोगों को कोरोना पॉजिटिव था, जो लोग नहीं नहाते हैं। अब ये फाइंडिंग कैसी है, इसके ऊपर तो शोध का विषय है। जब तक ये शोध पूरा नहीं हो जाता हम लोग टेस्ट कैसे बताएँ। सर, इसमें अभी नोजल स्प्रे भी बनाया गया है गंगा जल से, तो वो गंगा जल वाराणसी का इस्तेमाल किया गया है या फिर गौमुख से? हम लोगों ने 17 जगह से गंगा जल लिया, सबका टेस्ट किया। जहाँ के फेज वायरसेस क्वालिटी काफ़ी अच्छी हैं, गंगनानी की, वहाँ से हम लोगों ने उसको भी यूज़ किया है। अगर हम लोग को ये मौका मिलेगा कि इसका हम लोग ट्रायल कर सकें तो एक अच्छा अनुभव होगा। और आपको क्या लगता है कि जो रिसर्च है उसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक आपने पत्र भी लिखा है, तो क्या उम्मीद है कि जवाब क्या आएगा? देखिए, जब कोई भी रिसर्च हम लोग करते हैं तो उम्मीद तो अच्छा ही रहता है। आज तक जो भी दवाई दी जा रही है उसमें कोई ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने कभी किसी सेल लाइन पर उन्होंने कल्चर करके किया। सब प्रिजम्पशन है। क्लोरोक्विन प्रिजम्पशन से दिया गया, इवरमेक्टिन प्रिजम्पशन से दिया गया, प्लाज्मा थेरेपी प्रिजम्पशन से हो रहा है। तो डेफिनेट अभी हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है आज के दिन, तो उम्मीद है कुछ अच्छा आएगा। जहाँ तक पूरे विश्व की बात करें और भारत की बात करें तो जो रिकवरी रेट है कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता जो है लोगों में ज़्यादा है इंडिया में, तो कहीं ना कहीं ये कारण गंगा जल का इस्तेमाल करना भी हो सकता है। ज़रूर हो सकता है। ऐसे गंगा जल का इस्तेमाल है, BCG वैक्सीनेशन है, बहुत कुछ कहा गया है। देखा जाए फाइनली कहाँ बताया जाता है कि वो भी अच्छा उपचार है। जी 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 सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ VN मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि गंगा जल जो है वो कितना प्रभावशाली है और हो सकता है कि इससे कोरोना को परास्त किया जा सके। अभी हाल ही में बात सामने आई है कि गंगा जल में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है और इसी के साथ ही साथ वायरोफेज भी पाया जाता है, जिससे कि बड़े से बड़े जानकारों का ये मानना है कि गंगा जल में स्नान करने से बड़ा वायरस या बीमारी को खत्म किया जा सकता है। गंगा जल में ऐसी क्षमता होती है, तो ये भी बात अब रिसर्चरों ने प्रूव कर दी है BHU के कि इससे कोरोना को परास्त किया जा सकता है। और हाल ही में अभी गंगा जल से नोजल ड्रॉप भी बनाया गया है, जिससे कि एक बात और क्लियर दिखती जा रही है कि हो सके तो गंगा जल से कोरोना का काट संभव है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या गंगा जल से कोरोना का काट संभव है या नहीं। आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव BNS। मैं रानी गुप्ता, कैमरा पर्सन राजेश अग्रहरी के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइव BNS के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।